गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको ये 3D फ्लावर बनाना बताएंगे, बहुत प्यारा फूल है। तो कल की वीडियो में हमने एक हेयर बैंड बनाया है जो कि सेम डिज़ाइन का बनाया है, चोटी में बहुत ज़्यादा औसम लगते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप ऑल होम टिप्स पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो फूल होता है ना, वो आप किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं। बच्चों की कोई ड्रेस है तो उसमें आप बीच में लगा सकते हैं। तो हमने ये थोड़ा बड़ा साइज़ बनाया है, आप इसको छोटा साइज में बना के और किसी भी ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने वाइट कलर की ऊन ली है, 11 नंबर का क्रोशिया हुक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, देखिए 4, 5 और 6, 6 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 4 चेन बना के इस रिंग के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले एक फंदा निकाला, फिर ये दो, फिर ये दो, तीन बार में जो फंदे निकालते हैं उसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। फिर एक चेन लेके फिर से बनाएंगे, देखिए एक निकाला, दो और ये तीन, तीन बार में फंदे निकाले, फिर एक चेन लेके फिर से बनाएंगे हम इसके अंदर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने जो मुझे मेरे बर्थडे पर इतने सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उस पर मैं एक अलग से कमेंट बॉक्स की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसके अंदर हम 16 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई हैं, आपको अभी काउंट करके दिखाएंगे। देखिए एक चेन लेकर और जो स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी, ये तीसरी वाली चेन में डाल के ज्वाइन करेंगे। तो हमने 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाई हैं, ठीक है। अब 1, 2, 3, 3 चेन लेके वापस इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। अब एक चेन लेके इस वाली जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें डालेंगे और 2 बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर से एक चेन लेकर, एक चेन लेनी है और इस वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर से एक चेन लेकर इसमें हम 2 बनाएंगे। तो एक एक चेन लेते जाना है और 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जितनी भी ये जाली दिखेंगी, हर जाली में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एक चेन लेकर इसमें 2 बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है, उनको कट कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर की उनको ज्वाइन करेंगे, जो जाली एक एक चेन की जो जाली बनाई है ना, उसमें हम ग्रीन कलर की उनको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 3 चेन बना के इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस इसी जगह फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे, देखिए, और ये 4, 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया के बाद 1, 2, 3, 3 चेन लेके सेम इसी जगह स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली जाली में डालेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, 1, 2, 3, 3 चेन लेकर 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3, और ये तीसरी वाली चेन में डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1, 2, 3 इसको ले जाके इस वाली जाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी वाली जाली में डालेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चेन बनाएंगे 1, 2, 3, वापस इसी जगह हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए, चार डबल क्रोशिया के बाद तीन चेन और वापस इसी जगह एक स्लिप स्टिच बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी जाली में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद हमें एक दो तीन, तीन चेन ले ली, तीन और लेंगे हम, एक दो तीन, और ये तीसरी वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे, फिर एक दो तीन, और इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसके पास वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और चार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया के बाद एक दो तीन चेन और वापस इसी जगह एक स्लिप स्टिच बना लिया। तो इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। हमने ये पूरी रो बना ली है, इस तरीके से आपको दिखेगी, सिंपल है। चार डबल क्रोशिया बनानी है, पहले देखिए एक तीन चेन लेके, फिर एक दो तीन चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेके सेम जगह पर ज्वाइन करना है, फिर दूसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया बना के तीन चेन बनाएंगे, और तीन चेन में ये डिज़ाइन हमने बनाया, फिर तीन चेन लेके दूसरी जाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर दूसरी जाली में एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और चार, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेके सिंपल है इसमें ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरीके से हमने पूरी रो बना ली है। अब हम इसमें फूल बनाने हैं, आपको बताएंगे फूल कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पर हम कुछ फूल बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। फूल हमने बना लिए हैं, देखिए चार फूल हमने बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको दो कलर में भी बना सकते हैं, आप इसको एक कलर में बना सकते हैं, आपके पास ऊन ज़्यादा है तो ज़्यादा कलर में बना सकते हैं। तो हमने कुछ फूल बना लिए हैं, अब हम आपको एक फूल बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ऊन को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, इसके अंदर हम पफ बनाएंगे। देखिए धागे को खींच लिया, एक बार धागा हो गया हमारे पास, दो बार धागा हो गया, और फिर से इसी जगह डालेंगे तो तीन बार धागा हो गया। सारे फंदे हम इस तरीके से दो बार में निकालेंगे तो एक पफ हमारे पास बन जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसके पास वाली जाली में भी हम एक पफ बनाएंगे, तो एक बार धागा निकाला, दो, और ये तीन, तीन बार धागे लेके सारे फंदे हम दो बार में निकालेंगे इस तरीके से, देखिए दो पफ बन गए। फिर से इसके पास वाली जाली में डालेंगे, इसमें भी सेम रिपीट करेंगे हम, एक दो और ये तीन, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, तो ये तीन पफ हो जाएंगे हमारे पास। सेम ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा, और लास्ट में हम इसमें बनाएंगे। तो ये पांच पव जब बन जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, तो हम स्टार्टिंग वाले में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से, और इस फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए, अब हम एक दो तीन, तीन चेन लेकर और सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक दो तीन, तीन चेन लेके इसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब वापस इसी जगह हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और तीन, फिर से इसी जगह डालकर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए दो बार बना लिया, अब इसके पास में जो पफ है इसके पास में आपको एक चेन दिखेगी, इसमें हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, तीन चेन लेकर एक दो तीन, सेम इसी जगह डालकर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, वापस इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, तीन चेन लेके इसी जगह स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो
अब देखिए इसके पास वाले पफ में भी हम दो बार बनाएंगे, यहाँ पर दो बार बनाएंगे, पहले एक डबल क्रोशिया, तीन चेन लेके सेम इसी जगह स्लिप स्टिच किया, फिर से बनाएंगे देखिए एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, एक दो तीन, फिर से इसी जगह स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें एक चेन में दो दो बार बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको चेन दिखेंगी, उसमें हमें दो दो बार बनाना है, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे देखिए, वो दो दो डबल क्रोशिया बना रही है। देखिए इस वाली चेन में हमने दो डबल क्रोशिया बनाई, इसके पास वाली चेन में दो बनाई, इसके पास वाली चेन में भी दो बनानी है। सब में दो दो बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। अब लास्ट वाले में भी दो बनाएंगे हम। ये देखिए हमने सब में दो दो बना लिया। अब स्टार्टिंग में जो चार चेन तीन चेन बनाई थी उसमें डाल के हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ऊन को कट करेंगे फिर दिखाते हैं आपको। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक 3D फ्लावर बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। बाय।